हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इस माय ओपिनियन मूवी शोज एंड वेब सीरीज़। तो आज हम लोग करने वाले हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 के ट्रेलर का रिव्यू। तो जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था तो उसने OTT की दुनिया में तहलका मचा दिया था। विद्यु जामवाल की OTT पे चलने वाली सबसे बेहतरीन मूवी में से एक थी, ठीक है। तो जब कल इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ 1 बजे, तो मैंने देखा और कसम से यार बहुत अच्छा ट्रेलर काटा गया है। जिस तरह से एक एक चीज़ सस्पेंस में, पिछले वाले पार्ट में थी कि नरगिस को किडनैप कर लिया गया था, इस बार से बीवी नहीं, इस बार परिवार पूरे मुसीबत में है। तो बेसिकली स्टोरी में होता क्या है कि समीर और नरगिस को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो नंदिनी नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। बट अचानक से उसे किडनैप कर लिया था, उस बच्ची को, नंदिनी को, ठीक है। तो अब उसी को बचाने के लिए विद्यु जामवाल क्या क्या करते हैं, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वही स्टोरी में दिखाया गया है। इस मूवी का सबसे मेन फैक्टर है इसके इमोशंस, ठीक है। इसके इमोशंस बहुत हार्ड हैं। और इस मूवी का सबसे बेस्ट चीज़ जानते हो क्या है? विद्यु जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय की एक्टिंग। जब ये साली आशिकी में मैंने शिवालिका ओबेरॉय की एक्टिंग देखी तो कसम से यार, मतलब ऐसी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। एकदम रॉ एंड नेचुरल एक्टिंग कर रही है शिवालिका ओबेरॉय, ठीक है। Part 1 में ही बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और अब Part 2 आ गया है, इसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली मूवी जैसे आने वाली उसी टाइम पर चलेगा, बट इसका Part 1 बहुत अच्छा था। अब देखते हैं Part 2 कैसा होगा, बट ट्रेलर से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है। जब ट्रेलर मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखता हूँ मुझे मिलता है या नहीं मूवी देखने के बाद। बट बेसिकली ट्रेलर बहुत अच्छे से काटा गया है। ट्रेलर वाज अ प्योर मास्टरपीस, यू कैन वॉच इट, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, इस मूवी में विद्यु जामवाल, उनकी आप हर मूवी देख लो, एक्शन भी ऐसे दिखाते हैं, मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकेगा, सबको लगेगा। बाकी मूवीज में होता है कि जब हीरो मारता है एक पंच, 10 गुंड जाकर दूर गिर जाते हैं, ठीक है। विद्यु जामवाल की मूवी में भी मारते हैं, बट वो इस तरह से मारते हैं ना, सब लगेगा कि हाँ क्यों इतना पावरफुल है विद्यु जामवाल। परफेक्ट रीज़न होता है, ठीक है, क्यों मार पा रहे हैं इतने लोगों को, ठीक है। और एक्टिंग की तो उनकी बात ही नहीं, सबसे बेस्ट एक्टर है वो, ठीक है। बॉलीवुड में उनकी जगह हॉलीवुड में होनी चाहिए थी, एक्चुअली में बॉलीवुड में तो वो गलती से आ गए, उनकी जगह हॉलीवुड में होनी चाहिए। बेसिकली ट्रेलर बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो अब मूवी देखते हैं कैसी होती है, जाओ देखो।